आज मैं यहाँ पे मलीर जेल आई हुई थी, तो काम तो मेरा दूसरा था ऐसे जर्नलिस्ट। हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए अजीब अजीब जगहों पे जाते हैं। जेल भी मुझे तो अजीब ही लगता है। जेल है, मलीर जेल है, कराची के आउटस्कर्ट्स में है। और यहाँ जो है, हम लोग तो आए हुए थे फिर से, इंडियन फिशरमैन रिलीज़ हो रहे थे कोई 20 के करीब, तो हम तो उसके लिए आए थे। मगर इंडियन फिशरमैन की वीडियो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आपको पता है किस तरह सब कुछ होता है। आज ये देखें, मैं यहाँ आई हूँ जेल के अंदर, मुझे ये दिखा कि ये एक जाली लगी हुई है और ये वो लाइन इस जाली के इस तरफ होती है जो लिखा हुआ है जहाँ मुलाकाती आते हैं। ये काफ़ी एक सैड सा, दर्दनाक सा मंज़र होता है कि जब किसी के घर से उनका कोई बंदा अंदर जेल में हो और उसकी फैमिली उससे मिलने आए। यहाँ पे औरतें आती हैं, उन्होंने बुरके में अबाये में आती हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अपने बाप से मिलने के लिए आए होते हैं, माएँ आती हैं जो अपने बेटों के लिए आई होती हैं जो जेल में होते हैं, और उनके लिए चीज़ें लेकर आई होती हैं, साफ़ कपड़े, इस्त्री हुए हुए कपड़े। इस्त्री की तो ऐसी की तैसी हो जाती है जब यहाँ पे, क्योंकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, जो जेल का स्टाफ है, जेल का स्टाफ जो है वो इनके कपड़ों को अच्छी तरह टटोलता है, उनका जो इज़ार बंद डालने की जगह होती है उसको चेक करता है कि उसके अंदर तो कुछ नहीं, कोई औजार तो नहीं दे दिया किसी ने यहाँ पे पार कर दिया, कहीं कुछ और तो नहीं हो गया। तो इधर हर किस्म की चीज़ उनको देने से पहले कैदियों को जो उनके फैमिली लेकर आते हैं अच्छी तरह वो लोग चेकिंग करते हैं, जैसे शैम्पू और साबुन जैसा होता है तो साबुन उनको एज़ जैसे एक टिक्की होती है साबुन की, वो वैसे नहीं मिलता है। उस साबुन को छुरी से काट पीट के देखा जाता है, अंदर तो कुछ नहीं है। शैम्पू के अंदर वो लोग एक कोई चीज़ घुमा घुमा के चेक करते हैं कि अंदर कुछ सॉलिड तो नहीं पड़ा हुआ। इतनी अच्छी तरह चेकिंग होती है, खाना भी चेक करके देते हैं सब कुछ। ये मैं जी आपको इस वक्त जेल के ही, इसी मलीर जेल के मंजर दिख रहे हैं। ये जेल का ही स्टाफ है जो शहीद हो चुका है, इनकी इन लोगों ने तस्वीरें यहाँ लगाई हैं, सबके साथ डेट है, सबके साथ उनकी तस्वीरों के साथ जब उनका उनकी शहादत हुई वो सब कुछ इसके अंदर है। तो आपको मैं ये चीज़ें भी जेल में हैं। मैं तो दूसरे काम से आई थी मगर मैंने बोला आज आपको, जिन लोगों ने जेल नहीं देखा है वो ये भी देखें। ये जेल सही जगह पे है क्योंकि जेल एक ऐसी चीज़ है जिसको शहर से बाहर होना चाहिए, उसको शहर के अंदर नहीं होना चाहिए। अब ये शहर हमारा कराची बढ़ बढ़ के कहाँ आ गया है, तो वो सेंट्रल जेल में नज़र आ रहा है कि वो PIB कॉलोनी जो उसके करीब ही है, वहाँ पे टेलीफोन, आपका मोबाइल सिग्नल नहीं आता क्योंकि जेल के अंदर जैमर लगे हुए हैं और वो जैमर वहाँ तक जो है मोहल्ले तक भी जाते हैं। तो मगर ये जो मलीर जेल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है सिटी के, दूर दराज आगे, इसके पहुँचने में भी 1-1.5 घंटा लगता है, काफ़ी लंबी ड्राइव होती है। तो यहाँ इसीलिए मैंने बोला कि कौन रोज़ आपका कौन सा आना जाना, किसी का भी जेल में वैसे ही नहीं होता है, और ये तो मलीर जेल है। तो ये जो है, ये शहदा की तस्वीरें हैं जो इनकी दीवार पर लगे हुए हैं। ये इस दिन जो है, जब मैंने ये वीडियो बनाया है तो ये संडे का दिन था और संडे को मुलाकाती नहीं आते हैं, इसलिए आपको जेल बाहर से खाली खाली दिख रहा है। अंदर तो बहुत हलचल, सब कुछ बहुत कुछ हो रहा है, अंदर तो बहुत कैदी हैं इस जेल के अंदर। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जो इंडियन फिशरमैन के लिए हम लोग जो यहाँ आए हैं उनके रिलीज़ के लिए, वो 20 के करीब है और वो 20 जब रिहा हो गए तो अभी भी 568, पहले 588 थे इंडियन कैदी, अब 568 रह गए हैं, तो पाकिस्तानी तो इससे भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो मैं वापस अपनी पुरानी उस बात पे जो मैं कह रही थी कि यहाँ पूरी लाइनें लगती हैं और कैदियों की फैमिली लाइन से खड़ी होती है, उन बेचारों के पास उनको देने के लिए चीज़ें होती हैं, तोहफे होते हैं, उनके बच्चे उनके साथ होते हैं, वो बार बार माँ से पूछ रहे होते हैं कि कब और कितनी देर और कितनी देर। ये लोग अपना इतना टाइम लगा के इतना दूर शहर के बाहर आते हैं अपने इन लूज़र्स ही कहूँगी मैं, फैमिली को मिलने के लिए जो जेल में है। और यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें जो मैंने पुलिस वालों से ही सुनी, वो कह रहे थे कि आपको बहुत दुख हो रहा है कि ये बहुत तकलीफ़दह मंज़र है कि फैमिलीज़ आके अपने कैदियों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए उनको खड़ा होना पड़ता है, उनसे बात करती हैं, वो बिहाइंड बार्स होते हैं, जो मेरे सर के पीछे जो दीवार है वो लोग वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ खिड़कियाँ हैं, पंखे हैं, वहाँ मुलाकात होती है, उधर मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी और वहाँ जाली सी है, उसके उस दूसरी तरफ जो है वहाँ पे कैदी होते हैं, मेरे पीछे जो दीवार है उसके पीछे जेल है, यहाँ डबल वॉल्स हैं।
तो यहाँ इस तरह का ये होता है। और जो मैं पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि आपको बड़ा अफसोस हो रहा है पर आपको ये नहीं पता कि ये लोग जो बातें करते हैं वो हम सुनते हैं और हमको आपसे ज़्यादा अफसोस होता है, बिकॉज़ बेटे माओ को कह रहे होते हैं कि मेरे लिए पैसे भी लेकर आओ, तुम सिर्फ साबुन और शैम्पू और कपड़े क्यों लेकर आई हो, अगर नहीं लाओगी तो मैं अपनी अपनी वेंस काट दूंगा, अपनी कलाई काट दूंगा, ऐसी ऐसी वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की बातें हो रही होती हैं। और ये वो एरिया है जिसमें पहले ये लोग आके वेटिंग रूम समझे, बल्कि वेटिंग रूम ही है, हॉल है बड़ा सा, और यहाँ पे ये औरतों का साइड है, इसके पीछे बाथरूम है, जो लोग वेट कर रहे होते हैं उनको लंबी वेट लगा करनी होती है जब तक उनकी बारी आए अपने रिश्तेदार कैदी से मिलने के लिए। तो यहाँ ये लोग बैठे होते हैं, यहाँ पंखे लगाए हुए हैं, आगे कैंटीन है जो खुला होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये संडे का दिन है, आज कोई मुलाकात ही नहीं आ रहा, आज ये सब बंद है। और ये वो एरिया है जहाँ ये लोग बैठे होते हैं, बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद इनको फिर जाके अपने रिश्तेदार से मिलने की इनकी बारी आती है। ये यहाँ पे बेंचेस हैं। अब जाहिर है थाना नहीं, आपके पुलिस का वो है, इलाका है, जेल है, आपके लिए कोई बहुत कम्फी किस्म के सोफ़े तो नहीं रखेंगे, जिस तरह से हो सकता है वो लोग कर रहे हैं, और ये इसी तरह ये मंजर होता है। तो आप भी देखें, मैं तो इबरत लेती हूँ कि कोई किसी के फैमिली का कोई बंदा जो है इस तरह से कभी भी जेल में ना जाए, लोगों को नेक हिदायत मिले। और ये भी मैंने सुना है पुलिस वालों से कि भाई ये लोग जब रिलीज़ हो भी जाते हैं 1-1.5 हफ्ता लगता है या मुश्किल से महीना लगता है, ये लोग वापस जेल आ जाते हैं, आदि क्रिमिनल्स हैं ये। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू टुडे। और देखें देखें, मैं भी देख रही हूँ। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा, जो सेलिब्रेशन चल रही थी, 77 चुलू कबाब, और ये मेरे साथ करीब 1 डेढ़। बाय बाय।